नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बैच लॉन्च हुआ है, क्रैक एमपीटेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स। एक कंप्लीट बैच कोर्स आप सभी लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है, जो कि 1 सितंबर से आप सभी लोग इसका पठन पाठन कर पाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस फीचर्स क्या क्या हैं? अनअकैडमी पर जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है 729 रुपए का। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तभी ये 729 रुपए पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड है AUDI10, लिखा हुआ है ऑडिट, तभी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। दोस्तों, यदि आप ये 729 रुपए का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है? सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कर पाएंगे आप इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर के माध्यम से। यूपी टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कर पाएंगे इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर के माध्यम से। रीट की और एमपी टेट की तैयारी कर पाएंगे इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर के माध्यम से। आपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको, रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, एग्जास्टिस कवरेज ऑफ सिलेबस कवर किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी आपको और वीकली मॉक टेस्ट होंगे। ये सब कुछ आपको 729 रुपए में दोस्तों मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की श्रृंखला कुछ इस प्रकार है। आज की श्रृंखला में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य और न्याय होगा, क्या होगा? अन्य और अन्य मिलकर के अन्याय हो जाएगा। आ और आ के मिल से दोस्तों आपका दीर्घ संधि आ बन जाएगा। इस प्रकार ये आपका दीर्घ आ हो गया और ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। और दीर्घ संधि का उदाहरण कहता है अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार से मिले जितने भी वर्ण होते हैं वह दीर्घ हो जाते हैं। अक प्रत्याहार ये होता है आ, ई, ऊ, ळा, ऋर, ला और का, ये अक प्रत्याहार होता है दोस्तों। इस प्रकार आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये व्याप्त में संधि है, वी और आप्त से मिलकर के व्याप्त बनेगा। बी और आप्त से मिलकर के व्याप्त बनेगा, जहां ई और आ के मेल से दोस्तों आपका या बन गया। तो दोस्तों ये आपका यण संधि का उदाहरण हो गया, क्योंकि यण संधि कहती है कि ई का मेल असमान स्वर वर्ण से हो जाए तो या बन जाता है, ऊ का मेल असमान स्वर वर्ण से हो जाए तो वा बन जाता है, और आपका रिर का मेल असमान स्वर वर्ण से बन जाए तो रा बन जाता है। इस प्रकार आपका यण संधि हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? अलवेली, रंगीला, तेली या माली? तो ई प्रत्यय जो है वह दोस्तों किस में नहीं है? देखिए, रंगीला में आपका ई प्रत्यय नहीं है, आ है। देखिए, इसमें आ प्रत्यय से रंगीला में आ प्रत्यय है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना, आकाश पाताल एक करना या फूले न समाना। अवसर का लाभ उठाना मतलब कि आपको कोई पढ़ा रहा है, आप पढ़ लिए, या आपको कोई कहीं गए हैं आप और आपको अनायास लाभ मिल रहा है, तो बहती गंगा में हाथ धोना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, बोले बहती गंगा में हाथ धो के आए हैं, अवसर का लाभ उठा के आए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जिजीविषा होगा, क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिजीविषा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि या ऋषिणी? ऋषि का स्त्रीलिंग आपको बताना है।
तो ऋषि का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या हो जाएगा, ऋषिका हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है वह आपका ऋषिका हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि यथा समय में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद समास या तत्पुरुष समास, ये आपको बताना है। दोस्तों इनमें बात करूं यथा समय को लेकर के, तो यथा समय में यथा उपसर्ग के मिलकर के बना है, यथा और समय के मिलकर के आपका बना यथा समय, शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार ये हो जाएगा, समय के अनुसार, यथा शक्ति में शक्ति के अनुसार होता है, यहां समय के अनुसार हो जाएगा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है कि जहां पूर्व पद आपका उपसर्ग हो, पूर्व पद प्रधान हो, समस्त और सामासिक पद एक अव्यव का बोध कराए तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दोस्तों अव्यव क्या होते हैं, अव्यव वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक काल पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें आप अव्यव कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि पहला गिरमिटिया उपन्यास किसने लिखा, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों गिरमिटिया उपन्यास के ढाई घर लिखा है गिरिराज किशोर जी ने। ये महात्मा गांधी जी के साउथ अफ्रीका से वापस आने के लिए लिखा गया है, साउथ अफ्रीका में उनका निवास था, वहां के लिए लिखा गया है। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के ऊपर लिखा था गिरिराज किशोर जी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी आपको बतानी है, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताना है, वात्सल्य होगा, उज्जवल होगा, मनोरथ होगा या उल्लंघन होगा। उत और ज्वल मिलकर के उज्जवल हो जाता है, तो ये आपका सी आंसर गलत है। उज्जवल इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका व्यंजन संधि से मिलकर के बनता है, उत और ज्वल मिलकर के उज्जवल बनेगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कहाँ आता है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात या प्रस्तावना प्रश्न के पहले, तो सी आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जा और धा का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको बताना है, जा और धा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों मैं बात करूं जा और धा का उच्चारण स्थान, तो चा छा जा तो तालव्य हो जाता है और धा आपका दंत्य हो जाता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि श्री गणेश का विलोम क्या है। दोस्तों मैं बात करूं श्री गणेश का विलोम, अथ होगा, अंत होगा, इतिश्री होगा, समापन। श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना कहते हैं ना श्री गणेश, और किसी कार्य को समाप्त करना इतिश्री हो जाएगा। दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।